Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video, I'm going to tell you about the multiple choice questions which are asked in Himachal Pradesh competitive exam on folk dances, songs and dramas. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस पे, फोक डांसेस पे, सॉन्ग्स पे और ड्रामास पे, राइट? सो गाइज, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, आई होप यू पीपल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो यू विल गॉट द नोटिफिकेशन. सो लेट अस बिगिन. हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दैट इज़ विच इज़ द फोक डांस इन विच ओनली वुमेन पार्टिसिपेट. इसमें पूछा गया है वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं. पहला ऑप्शन है हमारे पास धांगी, दूसरा है करथी, तीसरा है हरण, चौथा है कमर. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर धांगी. धांगी नृत्य में ओनली महिलाएं ही जो है वो पार्टिसिपेट करती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज़ परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ महात्मा बुद्धा. इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है. पहला ऑप्शन हमारे पास बाकायंग, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बो नांगचू, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जापरो और तीसरा है सॉरी चौथा है शाद. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ शाद, जो कि महात्मा बुद्धा की याद में जो है वो परफॉर्म किया जाता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट. इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र विंड यंत्र है, राइट? पहला ऑप्शन है हमारे पास सारंगी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिबल, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रबात और चौथा ऑप्शन है हमारे पास फ्लूट यानी कि बांसुरी. वी ऑल नो विंड इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नांद इंस्ट्रूमेंट. इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नांद वाद्य यंत्र नहीं है, राइट? पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास मंजीरा, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास करनाल, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास राणा सिंघा और चौथा है शहनाई. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मंजीरा. मंजीरा जो है वो नांद या फिर विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास व्हाट इज़ द थीम ऑफ भूला डांस ड्रामा. इसमें पूछा गया है भूला नृत्य नाटक की क्या थीम है, क्या विषय वस्तु है. पहला ऑप्शन है हमारे पास मिजरी ऑफ लवर्स यानी कि प्रेमियों का दुखांत, दूसरा है एनी नेचुरल डिजास्टर कोई प्राकृतिक आपदा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास शौर्य सांगा ऑफ वॉर युद्ध की शौर्य गाथा, चौथा ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ अबव. ये सभी जो थीम है भूला डांस ड्रामा की दैट इज़ शौर्य सांगा ऑफ वॉर या कहीं बुद्ध की शौर्य गाथा. सो ऑप्शन सी जो है इसमें वो राइट आंसर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है बुढ़ा एंड सिंह डांस ड्रामा इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश. इसमें पूछा गया है जो बूढ़ा और जो सिंह जो नृत्य है नाटक है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है. पहला ऑप्शन है रोडू जुबल, दूसरा ऑप्शन है पांगी भरमौर, तीसरा है सुजानपुर नंदौन और चौथा है लाहौल स्पीति. सो इसकी स्पेलिंग आप ठीक करो ROHRU. सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ रोडू एंड जुबल में बुढ़ा एंड सिंह डांस ड्रामा जो है वो यहाँ पे किया जाता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है बुढ़ा
फोक डांस इज पॉपुलर इन विच डिस्ट्रिक्ट? पहला ऑप्शन है चंबा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश कुल्लू, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश लाहौल स्पीति, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सिरमौर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, दैट इज़ सिरमौर। सिरमौर में जो है जो बुढ़ा जो लोक नृत्य है ये वहाँ पे किया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बोगाचू नृत्य हिमाचल प्रदेश के बोगाचू डांस इज एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है जो बोगाचू जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र से संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास किन्नौर से, दूसरा है लाहौल स्पीति से, तीसरा है कुल्लू से, चौथा है सिरमौर से। सो इसका जो राइट आंसर है, जो बोगाचू जो डांस है वो संबंध रखता है आपके किन्नौर से। बाकायांग कायांग ये सारे जो डांस है ये किन्नौर के ही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जूरी डांस जो जूरी है वो एक तरह का डांस है, इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? जो जूरी जो नृत्य है वो किस जिले का है, राइट? पहला ऑप्शन है हमारे पास कुल्लू का है, दूसरा है ऊना का है, तीसरा है सिरमौर का है, चौथा है मंडी का है, राइट? सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर सिरमौर। सिरमौर का है जूरी डांस आपका। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कुंजादी मल्हार फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है कुंजादी मल्हार जो लोक गीत है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, राइट? पहला ऑप्शन है हमारे पास मंडी, दूसरा है शिमला, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ चंबा, ऑप्शन डी। चंबा से एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है कुंजादी मल्हार फोक सॉन्ग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, गांगी फोक सॉन्ग आर एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है जो गांगी जो लोक गीत है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास चंबा से, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बिलासपुर से, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कुल्लू से, चौथा ऑप्शन है हमारे पास सिरमौर से। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बिलासपुर। बिलासपुर से जो है संबंध रखता है हमारा गांगी फोक सॉन्ग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बाकायांग डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हमें बताना है जो बाकायांग जो डांस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, कौन से जिले से संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सिरमौर, दूसरा है चंबा, तीसरा है किन्नौर, चौथा है ऊना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ किन्नौर। किन्नौर से संबंध रखता है आपका बाकायांग डांस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, डिमोन डांस इज मेनली एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, जो दानव नृत्य है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास चंबा से, दूसरा है लाहौल स्पीति से, तीसरा है किन्नौर से, चौथा है कुल्लू से। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर लाहौल स्पीति। जो डिमांड डांस है ये लाहौल स्पीति से एसोसिएटेड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द सेक्रीफाइस ऑफ विच क्वीन ऑफ चंबा इज डिस्क्राइब्ड इन सुकारता सॉन्ग? इसमें पूछा गया है सुकारता गीत में चंबा की किस रानी के बलिदान का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास चंपावती, दूसरा है शारदा, तीसरा है सोही नैना देवी और चौथा है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। पहला सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज सोही नैना देवी, जो कि वाइफ है किसकी, आपके साहिल वर्मन की, जिन्होंने मिज़र मेला को स्टार्ट किया था चंबा में। मैंने आपको मिज़र मेला एंड फेस्टिवल प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहना फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसमें पूछा गया है जो मोहना जो लोकगीत है
हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, राइट? सो पहला ऑप्शन है हमारे पास मंडी से, दूसरा है कांगड़ा से, तीसरा है ऊना से और चौथा है बिलासपुर से। सो जो मोहना जो लोकगीत है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है रिलेटेड है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, मुसाफिर राम भारद्वाज ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन गिवन द पद्म श्री फॉर द वर्क इन विच फील्ड। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के मुसाफिर राम भारद्वाज को किस क्षेत्र में कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है। हमारे पास पहला ऑप्शन है लिटरेचर में यानी कि साहित्य में, दूसरा है पेंटिंग में, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, चौथा है वोकल म्यूजिक में। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ऑप्शन सी। इनको जो है इसके लिए जो पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अपर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला में, इन अपर रीजन ऑफ शिमला सॉरी, द सॉन्ग बिरसू इज संग इन प्रेज ऑफ विच डेटी। इसमें पूछा गया है जो शिमला के ऊपरी क्षेत्र में जो बिरसू गीत किस देवता के लिए की प्रस्तुति में गाया जाता है, राइट? सो पहला ऑप्शन है हमारे पास बानासुर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नाग देवता, तीसरा है महासु देवता, चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो आपका बिरसू जो सॉन्ग है वो महासु देवता को स्तुति में गाया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, बथाना इज फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। इसे पूछा गया है जो बथाना है वो फोक जो ड्रामा है, आप कह सकते हो लोक नाटक, वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, राइट? सो इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास सिरमौर का, दूसरा है चंबा का, तीसरा है मंडी, चौथा है बिलासपुर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ मंडी, ऑप्शन डी सॉरी सी, मंडी का है ये बंथा फोक ड्रामा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, टू वोम इज़ द शान एंड शाबू फोक डांस डेडिकेटेड। इसमें पूछा गया है जो शान एंड जो शाबू जो डांस है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, राइट? पहला ऑप्शन है हमारे पास गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा के लिए, दूसरा है लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्धा के लिए, तीसरा है लॉर्ड शिवा भगवान शिवा के लिए, चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो शान और शाबू जो लोक नृत्य है ये लॉर्ड बुद्धा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच कैटेगरी ऑफ फोक सॉन्ग आर बेंट एंड बिहागरा बिलोंग टू। इसमें पूछा गया है जो फोक सॉन्ग है आपके जो लोकगीत है बेंट एंड बिहागरा, ये कौन से सॉन्ग है, रिलीजियस सॉन्ग है, धार्मिक गाने हैं, काउबॉय सॉन्ग है, चारावाह सॉन्ग है, मैरिड सॉन्ग है, विवाह के सॉन्ग है, गीत है, मिल्कमैन सॉन्ग है, राइट? सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिलीजियस सॉन्ग, जो बेंट एंड बिहागरा है ये रिलीजियस सॉन्ग है, धार्मिक सॉन्ग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो ऑफ स्टेट वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1986 AD नेम्ड साउंड ऑफ माउंटेन्स। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला जो है म्यूजिक स्टूडियो एस्टाब्लिश किया, जो कि 1986 में एस्टाब्लिश किया, इसका नाम था साउंड ऑफ माउंटेन्स, वो कहाँ पे है? हमने बताना है कि ये म्यूजिक स्टूडियो है कहाँ पे है, मंडी में है, शिमला में है, हमीरपुर में है, ऊना में है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मंडी, मंडी में साउंड ऑफ माउंटेन्स म्यूजिक स्टूडियो है जो कि कब एस्टाब्लिश किया, 1986 में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, सिंह डांस ड्रामा इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है जो सिंह डांस ड्रामा है, जो सिंह जो
लोक नृत्य है, लोक नाटक है, वो कौन से रीजन से संबंधित रखते हैं, राइट? सो या पहला ऑप्शन है कुल्लू मनाली से, दूसरा है पांगी भरमौर से, तीसरा है नूरपुर कांगड़ा से, चौथा है रोडू और जुब्बल से। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, रोडू एंड जुब्बल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। इसमें पूछा गया है उजग जामा। उजग जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? उजग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है हमारे पास किन्नौर का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सोलन का, तीसरा है कुल्लू का और चौथा है सिरमौर का। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कुल्लू। उजग जामा ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है कुल्लू का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 24 है झांझर इज द फेम डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? इसमें पूछा गया है जो झांझर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास चंबा, दूसरा है मंडी, तीसरा है कुल्लू और चौथा है कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चंबा। झांझर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का फेमस लोक नृत्य है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। द फेमस छोरा डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच रीजन? इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध जो छोरा जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन से एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कांगड़ा, दूसरा है लाहौल, तीसरा है मासू और चौथा है ऊना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज महासू, ऑप्शन सी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है विच रीजन झांकी एंड हंतर आर फोक डांस ऑफ? इसमें पूछा गया है जो झांकी और हंतर जो आपके लोक नृत्य है वो कौन से रीजन के है, राइट? पहला ऑप्शन है हमीरपुर के, दूसरा मंडी, तीसरा चंबा और चौथा कुल्लू। तो आपके जो झांकी एंड जो हंतर है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। बुंढा इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? इसमें पूछा गया है जो बुंढा किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है शिमला का, दूसरा है सोलन, तीसरा है लाहौल स्पीति, चौथा है सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सिरमौर। नाउ जी मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है कलियाला इज़ अ फोक डांस ऑफ विच रीजन? जो कलियाला है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है? पहला है सोलन, दूसरा है ऊना, तीसरा है शिमला, चौथा है कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज शिमला, ऑप्शन सी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसमें पूछा गया है कड़थी इज द फेमस डांस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जो कड़थी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है मंडी का, दूसरा है चंबा का, तीसरा है कुल्लू का, चौथा है सिरमौर का। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कुल्लू, ऑप्शन सी। यहाँ का कड़थी जो है फेमस लोक नृत्य है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। रस्सा डांस इज सिंबल ऑफ, जो कि रस्सा डांस जो कि सिरमौर में होता है, ये कहाँ का, सॉरी ये किसका सिंबल है? नेचर का, यूनिटी का, स्ट्रेंथ का, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो रस्सा जो डांस है वो सिंबल है यूनिटी का, एकता का। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।